إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء. Menunggu, ini panas loh. Assalamualaikum Dila. फिल्म के शुरुआत में हम एक फीमेल इस्लामिक बोर्डिंग स्कूल देखते हैं जो बेंगिटस विलेज ईस्ट जावा में है। सारे स्टूडेंट्स और स्टाफ बोर्डिंग स्कूल के मस्जिद में सुबह की प्रेयर के लिए गैदर होते हैं। हरलिना अपने रूम में कुरान लेने जाती है लेकिन वहां जाके सो जाती है। बाद में हरलिना की वजह से टीचर आयु सारी लड़कियों को यार्ड, वॉशरूम और शेड क्लीन करने की पनिशमेंट देती है। हरलिना आती है और आयु से माफी मांगती है लेकिन आयु उसके एक्सक्यूजेस इग्नोर करके सबको क्लीनिंग स्टार्ट करने के लिए बोलती है। ओबी और उसके फ्रेंड्स डिला और सिटी हरलिना से गुस्सा हो जाते हैं और उसे सबक सिखाने का डिसाइड करते हैं। वो हरलिना के फ्रेंड्स को जाने के लिए बोलते हैं। रानुम ओबी को समझाने की कोशिश करती है कि हरलिना को यहाँ सिर्फ 1 महीना हुआ है और वो अभी एडजस्ट कर रही है, लेकिन ओबी इंसिस्ट करती है कि उनकी क्लास स्कूल में सबसे बेस्ट थी, लेकिन जब से हरलिना आई है उसने प्रेयर मिस की और इसकी उन्हें पनिशमेंट मिली। लेकिन रानुम के समझाने पर ओबी और उसके फ्रेंड्स इवेंचुअली वहां से चले जाते हैं। बाद में हरलिना की मॉम देवी उससे मिलने आती है और हरलिना कन्फेस करती है कि स्कूल में सब उससे नफरत करते हैं। देवी उसे तसल्ली देती है कि दूसरे उसे अच्छे से जानेंगे तो वो उसे जरूर पसंद करेंगे। हरलिना रानुम को मेंशन करती है और बताती है कि बस वही उसके साथ अच्छी है जबकि बाकी सब उसके साथ बुरे हैं। देवी सजेस्ट करती है कि हरलिना 1 सेमेस्टर के लिए ट्राई करे और अगर उसके बाद भी उसे यहाँ अच्छा नहीं लगेगा तो वो उसके डैड से बात करेगी। तभी वो लोग देखते हैं कि ओबी का डैड उसे डांट रहा है और पूछ रहा है कि उसने क्या किया कि उसे पनिशमेंट मिली। वो उससे कहता है कि उसके पास पहले से ही बहुत काम है और उसे और परेशानी नहीं चाहिए। उस रात देवी हरलिना के डैड से कहती है कि हरलिना अब ज्यादा ओबीडियंट हो गई है लेकिन उसे लगता है कि उसे वहाँ अच्छा नहीं लग रहा है और सजेस्ट करती है कि शायद अब उसे घर बुला लेना चाहिए। लेकिन सापतो पूछता है कि 1 महीने में स्कूल से क्या सीखा जा सकता है। वो कहता है कि उसे वहाँ थोड़ा और रहने दो क्योंकि उसे डिसिप्लिन की जरूरत है। इस बीच रानुम हरलिना से कहती है कि वो मस्जिद जा रही है और पूछती है क्या वो उसके साथ चलना चाहती है। हरलिना हाँ कह के बोलती है कि उसे पहले तैयार होना पड़ेगा और रानुम ये कहकर चली जाती है कि वो उसका वुडू रूम में वेट करेगी। थोड़ी देर बाद ओबी और डिला हरलिना को रोक लेते हैं और उस पर इल्जाम लगाते हैं कि उसने आयु से उनके बारे में बुरा कहा है। कंफ्यूज होकर हरलिना मना करती है लेकिन वो उसे टॉर्चर करना शुरू करते हैं। ओबी हरलिना को कहती है कि वो उसे कुछ नहीं सुनना चाहती। हरलिना बचने की कोशिश करती है लेकिन वो उसे पकड़कर नीचे गिरा देते हैं जिससे हरलिना के हाथ गर्म आयरन से जल जाते हैं। ओबी फिर वो गर्म आयरन उठाती है और उसका फेस जलाने की धमकी देती है। डरते हुए हरलिना फिर से भागने की कोशिश करती है लेकिन लड़कियां उसे पकड़ लेती हैं और हेल्प के लिए चिल्लाने से पहले उसे रोक देती हैं। वो उसे वॉशरूम में ले जाते हैं जहां डिला उसका हाथ गंदे पानी के बकेट में डुबो देती है और ओबी उस पर ठंडा पानी डालकर उसे टॉर्चर करती है। हरलिना वहां से भाग जाती है और सड़क तक पहुंचती है लेकिन वो एक कार के सामने गिर जाती है जो उसके ऊपर चढ़ जाती है। फिर सीन हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है जहां देवी और सापतो हरलिना की हालत देखकर परेशान होते हैं और उसका जला हुआ हाथ देखकर सापतो रिमार्क करता है कि ये इंजरी कार क्रैश से नहीं हुई है। वो टीचर से पूछता है कि उन्होंने उसकी बेटी के हाथ जलने की इंजरी कैसे नोटिस नहीं की और उसकी बेटी इतने रात को डॉर्मेटरी के बाहर कैसे जा सकती थी। डारोस माफी मांगता है और ये एक्सेप्ट करता है कि उनसे हरलिना की सेफ्टी इंश्योर करने में चूक हो गई। सापतो गुस्से में जवाब देता है कि उसने अपनी बेटी को बोर्डिंग स्कूल भेजा था ताकि वो इम्प्रूव हो सके, ना कि हर्ट या बुली हो, और फिर उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहता है। अगले दिन ओबी और उसके दोस्त रानुम से पूछते हैं कि क्या उन्हें हॉस्पिटल में हरलिना से मिलने जाना चाहिए और तभी हम देखते हैं कि हरलिना के हॉस्पिटल में डेथ हो गई है। 1 हफ्ते बाद हरलिना अचानक बोर्डिंग स्कूल में नजर आती है और उसे देखकर रानुम, ओबी और उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं। बाद में टीचर्स डिस्कस करते हैं कि उन्हें हरलिना से उस रात के बारे में पूछना चाहिए लेकिन आयु सजेस्ट करती है कि उन्हें उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए। जब जाफर मेंशन करता है कि उसे शक है कि उसके क्लासमेट्स ने उसे बुली किया है तो आयु उसे कहती है कि वो स्टूडेंट्स के बारे में नेगेटिव सोचना बंद करे। वो ऐड करती है कि जब तक डारोस दूसरे स्कूल में पढ़ा रहे हैं उन्हें स्टूडेंट्स पर नजर रखनी होगी ताकि हरलिना जैसे और इंसिडेंट्स ना हो। क्योंकि ये स्कूल की रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। उस शाम एक क्लास के दौरान आयु देखती है कि हरलिना उसकी तरफ घूर रही है। अचानक हरलिना आयु के पास आ जाती है और फिर गायब हो जाती है और तभी आयु दूसरी टीचर इंद्री को देखकर डर जाती है। क्लास के बाद रानू हरलिना से पूछती है कि क्या वो टीचर से या उससे उस रात के बारे में बात करना चाहती है, जिसके जवाब में हरलिना रानम को कहती है कि वो चिंता ना करे और कहती है कोई भी बुरा काम बिना पनिशमेंट के नहीं रहता। उस रात कंपाउंड की पेट्रोलिंग करते वक्त ओबी देखती है कि सिटी वॉशरूम में खड़ी है। वो उसे बुलाती है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिलता और जब वो उसके पास जाती है तो ओबी सिटी का डेमोनिक होम देखकर डर जाती है। डर से ओबी सीधा टीचर्स के पास हेल्प मांगने भागती है लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता और लाइट्स फ्लिकर होने लगती है। तभी सिटी आती है और ओबी पर अटैक करती है और ओबी डेमोनिक फिगर में हरलिना का फेस देखती है जो बहुत गुस्से में होता है। तभी गानी बाहर आता है और ओबी को बचाने की कोशिश करता है लेकिन सिटी उसे धक्का दे देती है। सिटी फिर गानी के पास जाती है और उसका गला दबाने की कोशिश करती है लेकिन गानी उसके सर पर हाथ रखकर प्रेयर पढ़ना शुरू करता है। वो उस एंटिटी से उसकी आइडेंटिटी पूछता है और वो एंटिटी बताती है कि वो शैतान है। बाद में डिला ओबी को इन्फॉर्म करती है कि गानी ने डेमन को निकाल दिया है, जिस पर ओबी जवाब देती है कि वो अभी भी डरी हुई है और रिवील करती है कि जब सिटी पजल्स थी तो उसने उसके फेस में हरलिना का फेस देखा था। अगले दिन रानूम और दूसरी लड़कियां ओबी से मिलने आती हैं लेकिन फिर से ओबी सिटी के फेस में हरलिना का फेस देखकर डर जाती है। वो कहती है कि उसे अकेला छोड़ दो और रानूम से कहती है कि सिटी को लेके जाओ। वो इंसिस्ट करती है कि वो सिटी नहीं हरलिना है। इंद्री आवाज सुनकर आती है और ओबी को शांत करने की कोशिश करती है लेकिन ओबी कॉन्टिन्यूसली कहती रहती है कि वो हरलिना है, सिटी नहीं। बाद में हम रानूम और हरलिना को एक साथ कुरान पढ़ते हुए देखते हैं लेकिन अचानक से हरलिना की आवाज डिमोनिक हो जाती है। रानूम हरलिना की तरफ देखती है जो उसे कहती है कि आगे पढ़ती रहो। अगली सुबह सिटी रानूम से पूछती है कि कल रात को उसने किसके साथ कुरान पढ़ी। रानूम जवाब देती है कि हरलिना के साथ। सिटी पूछती है कि क्या वो श्योर है क्योंकि उसे लगता है कि हरलिना को कुरान पढ़नी नहीं आती। फिर वो पूछती है कि हरलिना अब कहाँ है और रानूम कहती है कि वो अभी भी अपने बेड में है लेकिन वो लोग ये देख के शॉक हो जाते हैं कि हरलिना ऑलरेडी मस्जिद में बैठ के उन्हें घूर रही है। बाद में सिटी रानूम से कहती है कि हरलिना के वापस आने के बाद कुछ सही नहीं लग रहा है। वो मेंशन करती है कि हरलिना अब पंचुअल हो गई है, हमेशा स्माइल करती रहती है और कुरान भी पढ़ सकती है। तभी वो हरलिना को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं जिससे सिटी डर जाती है और हरलिना बस उन्हें एक क्रीपी स्माइल देकर चली जाती है। बाद में जब रानूम अपने रूम में वापस आती है तो वो ये देख के शॉक हो जाती है कि हरलिना वहां अजीब तरीके से बिहेव कर रही है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए हरलिना रुककर उसकी तरफ देखती है। डर के रानूम पूछती है कि वो क्या कर रही है, जिसके जवाब में हरलिना कहती है कि उसे उल्टा उससे पूछना चाहिए कि वो वहाँ खड़ी होकर उसे क्यों देख रही है। बाद में रानूम ओबी के साथ शाम की प्रेयर के लिए जाती है और इस वक्त वो देखती है कि हरलिना इधर उधर घूम रही है। हैरान होकर वो ओबी को मस्जिद में अकेला छोड़ देती है ताकि हरलिना का पीछा कर सके। इस बीच मस्जिद की लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और अंधेरा हो जाता है। ओबी डर जाती है लेकिन अपनी प्रेयर्स कंटिन्यू रखती है। लेकिन जब वो उठती है तो वो देखती है कि वो गलत डायरेक्शन में मुंह करके प्रे कर रही है। वो जल्दी से वापस मुड़कर फिर से प्रे करना शुरू करती है लेकिन फिर से वो अपनी पोजीशन उल्टी पाती है। फिर ओबी एक डिमोनिक आवाज़ सुनती है लेकिन जब वो चेक करने उठती है तो वहाँ कोई नहीं होता और अचानक से हरलिना उसे डराती है। ओबी की चीख सुनकर रानूम जल्दी से उसके पास वापस आती है और देखती है कि ओबी गलत डायरेक्शन में प्रे कर रही है। शॉक होकर रानूम उसके पास जाती है और देखकर डर जाती है कि ओबी की डेथ हो गई है। अगले दिन सिटी रानूम से पूछती है कि क्या वो फिर से उसकी रूममेट बनना चाहती है और रानूम मान जाती है। जब वो अपने कमरे में जाते हैं डिला रानूम पर ओबी को अकेला छोड़ने का इल्जाम लगाती है और उसके मरने का जिम्मेदार ठहराती है। रानूम जवाब देती है कि उसे इस बात का रिग्रेट है और वो कभी नहीं भूल पाएगी कि उसने ओबी को लास्ट जिंदा देखा था और उसकी मौत सबसे पहले देखी थी। सिटी बीच में बोलती है कि सबको ओबी की याद आती है और वो एक और फ्रेंड नहीं खोना चाहते। उस रात रानूम सिटी के रूम में सोती है लेकिन जब वो उठती है तो वो ये देख के शॉक हो जाती है कि वो हरलिना के रूम में है। हरलिना अपने बेड के कॉर्नर में बैठे हुए पूछती है कि क्या उसे नींद नहीं आ रही है। फिर हरलिना अपने बेड से उतरती है और रानूम का नाम लेती है लेकिन रानूम डर के मारे कुछ नहीं कहती और कुछ देर बाद जब रानूम पीछे देखती है तो हरलिना वहाँ नहीं होती। इस बीच सिटी नोटिस करती है कि रानूम अपने बेड पर नहीं है। हैरान होकर वो डिला को जगाती है और उसे बताती है कि रानूम गायब है और वो उसे ढूंढने का डिसाइड करते हैं। वो हरलिना के रूम में उसे ढूंढने जाते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं मिलता और रानूम को ढूंढना कंटिन्यू रखते हैं। डिला फिर एक डिमोनिक आवाज़ सुनती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है लेकिन आवाज़ लगातार सुनाई देती रहती है और अचानक से हरलिना उसके सामने आ जाती है। रानुम उसे शांत करने की कोशिश करती है और अश्योर करती है कि वो रानुम ही है। और जब डिला शांत हो जाती है वो पूछती है कि सिटी कहाँ है। रानुम कहती है कि वो सिटी को ढूंढेगी और डिला से कहती है कि वो गानी को ढूंढे। इस बीच सिटी को हरलिना डराती है जिससे सिटी डर के भाग जाती है। वो मस्जिद की तरफ भागती है और देखती है कि स्टूडेंट्स प्रेयर में एंगेज हैं, लेकिन जल्दी ही उसे रियलाइज होता है कि कुछ गलत है जिससे उसका डर और ज़्यादा बढ़ जाता है। अचानक सब स्टूडेंट्स उसकी तरफ मुड़ के देखते हैं और इससे पहले कि वो समझ पाए कि क्या हो रहा है, एक कपड़ा उसकी तरफ उड़ते हुए आता है। उसी समय रानू मस्जिद पहुँचती है, सिटी को शांत करने की कोशिश करती है और सिटी नोटिस करती है कि मस्जिद अब खाली है। दूसरी तरफ डिला गानी से मिलने जाती है और उससे हेल्प मांगती है, लेकिन उसे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता। हैरान होकर वो उसके पास जाती है और उसे जगाने की कोशिश करती है। तभी उसे फील होता है जैसे हरलिना उसके पीछे खड़ी है, और जब वो दोबारा बेड की तरफ देखती है तो गानी वहाँ नहीं होता। अचानक रूम की लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और जब वो भागने की कोशिश करती है तो दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। कुछ देर बाद वो हरलिना की आवाज़ सुनती है, लेकिन जब वो इधर उधर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता और अचानक से दरवाजे पे कोई जोर से नॉक करने लगता है। डर से वो पीछे हट जाती है, तभी हरलिना उस पर अटैक कर देती है। चीख सुन के रानू और सिटी गाने के रूम की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि हरलिना डिला को अंधेरे में घसीट रही है, और तभी उन्हें डिला की चीख बाहर से सुनाई देती है। इस बीच आयु और इंद्री भी डिला की चीख सुनकर बाहर आते हैं और उसे ढूंढने निकलते हैं। थोड़ी देर बाद वो डिला को मस्जिद में वहीं उसी पोजीशन में पाते हैं जिसमें ओबी मिली थी। आयु और इंद्री उसकी तरफ भागते हैं और देखते हैं कि वो मर चुकी है, जिससे बाकी सारे स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद रानुम और सिटी वहां पहुंचते हैं और रानुम देखती है कि हरलिना एक कॉर्नर में एक क्रीपी स्माइल के साथ खड़ी है। बाद में गानी जफार से कहता है कि उन्हें स्टूडेंट्स को इमीडिएटली घर भेजना चाहिए। जफार सजेस्ट करता है कि उन्हें दारूस के लौटने का इंतजार करना चाहिए, लेकिन गानी इंसिस्ट करता है कि ये एक इमरजेंसी है और दारूस इस फैसले को मंजूर कर देगा। उसी वक्त रानुम और सिटी आते हैं और रानुम उन्हें बताती है कि ये मौतें हरलिना से कनेक्टेड हैं। गानी क्लैरिफिकेशन मांगता है और सिटी समझाती है कि उन्होंने हरलिना को टीचर्स रूम में डिला पर अटैक करते हुए देखा था। इसके बाद सब स्टूडेंट्स को मस्जिद में इकट्ठा होने और अपनी सेफ्टी के लिए रात वहीं स्पेंड करने के लिए कहा जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि हरलिना रानुम के पास लेटी है और उसे एक क्रीपी स्माइल के साथ देख रही है। हरलिना फिर रानुम का नाम लेती है, लेकिन रानुम सिटी को अपने पास पाती है जो पूछती है कि क्या वो उसके साथ वॉशरूम चल सकती है। रानुम मान जाती है और जब सिटी अंदर जाती है तो वो वॉशरूम के बाहर उसका वेट करती है और अंदर हम देखते हैं कि हरलिना पहले से वहाँ है। थोड़ी देर बाद सिटी को दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वो थोड़ा डर जाती है और वो सोचती है कि शायद रानुम होगी, लेकिन रानुम अभी भी बाहर वेट कर रही होती है और सिटी चुपचाप उसके पास से निकल जाती है। अचानक रानुम सिटी को नोटिस करती है और उसको फॉलो करने लगती है। इवेंचुअली वो सिटी को एक जगह पे खड़ा हुआ देखती है और उसके पास जाके पूछती है कि वो क्या कर रही है, लेकिन उसी पल सिटी रानुम के पीछे से आती है और वो शॉक हो जाती है। और जो फिगर रानुम को सिटी लगा था वो एक्चुअली में हरलिना निकलती है। रानुम और सिटी दोनों डर के भाग जाते हैं, लेकिन वो बार बार उसी जगह पर वापस आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने भागना शुरू किया था। अचानक हरलिना सिटी का पैर पकड़ लेती है और तभी गानी और जाफर वहाँ पहुँच उनकी हेल्प के लिए भागते हैं और सिटी को हरलिना से दूर खींच लेते हैं। गानी फिर उस एंटिटी को कन्फ्रंट करता है जो बताती है कि वो एक गॉड की सर्वेंट है और इस्लाम का एक जिन है। गानी उसे हरलिना की बॉडी से निकलने का ऑर्डर देता है, लेकिन वो एंटिटी जवाब देती है कि किसी ने उसे इन बुरे लोगों को मारने के लिए उसे बुलाया था। गानी इंसिस्ट करता है कि उसे निकलना ही होगा और धमकी देता है कि वो गॉड के वर्ड से उसे डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन जिन उसे कोशिश करने के लिए कहता है। गानी ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है और प्रेयर पढ़ने लगता है, लेकिन वो ये देख के डर जाता है कि जिन भी उसके साथ प्रेयर पढ़ रहा है। फिर वो अपने तस्वीर से जिन को मारता है, लेकिन वो ये देख के शॉक हो जाता है कि जिन हंस रहा है और अचानक उसके पीछे आ जाता है और फिर गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो फिर से उसके सामने आता है और तभी हरलिना के पेरेंट्स वहाँ पहुँचते हैं। देवी भागकर उसके पास जाती है और कहती है कि वो उसकी मॉम है, लेकिन जिन उसे नहीं पहचानता। अब यहाँ रिवील होता है कि जिस गाड़ी से हरलिना का एक्सीडेंट हुआ था उसे उसकी मॉम देवी चला रही थी, लेकिन देवी को लगा था कि उसने लकड़ी के ढेर को टक्कर मारी है, ना कि हरलिना को। अचानक जिन देवी को अंधेरे में ले जाता है और किसी के कुछ समझने से पहले देवी की डेड बॉडी उनके सामने उड़कर आती है। गानी और जफ्फार जिन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन पर भारी पड़ता है और जैसे ही वो सिटी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है दारूस आ जाता है और उसका पैर पकड़ के उसे ज़मीन पर पटक देता है। दारूस, गानी और जाफर एक साथ मिलकर हरलिना पर एक्सोर्सिज्म करते हैं और जिन खुद को उनसे छुड़ाने के लिए काफ़ी ताकत लगाता है। एक्सोर्सिज्म के दौरान ये रिवील होता है कि सापतो ने डॉक्टर्स को कहा था कि हरलिना को मौत को सबसे, खासकर उसकी माँ से, छुपाए रखे, सांप तो हरलिना को एक शामन के पास ले जाता है और उसे वापस जिंदा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। शामन उसे बताता है कि ये स्पेल अंडू नहीं किया जा सकता और हरलिना की मौत का बदला लेना होगा। साप्तो ने अपने हाथों से अपनी बेटी के सर में एक कील गाड़ी थी ताकि वो जिंदा हो सके और जिसने भी उसकी हालत की है उन सबसे रिवेंज ले सके। साप्तो दारूस की हेल्प करने के लिए जाता है और हरलिना के सर से कील निकाल देता है जिससे जिन उसके शरीर से निकल जाता है और हरलिना फिर से एक लाश बन जाती है। कुछ दिन बाद जब साप्तो घर पर अकेला बैठा होता है कोई दरवाजा खटखटाता है और जब वो दरवाजा खोलता है तो शमन सामने खड़ा होता है और वो उसे याद दिलाता है कि उसे कहा गया था कि काम खत्म होने से पहले कील नहीं निकालनी थी। शमन फिर कील नीचे फेंकता है और साप्तो ये देखकर डर जाता है कि सामने हरलिना खड़ी होती है और फिल्म यही एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही और डरावने रिकैप्स देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही फिर से मिलेंगे एक नए रिकैप के साथ, तब तक के लिए स्टे स्पूकी।